बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी मोहम्मद सरफराज गुमन, एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज के अपने इस व्लॉग में मैं जा रहा हूँ कराची कैंडी स्टेशन। कैंडी स्टेशन जाने की कोई ख़ास वजह नहीं, बस रेल फेनिंग के लिए जा रहे हैं। सुबह के टाइम पे जो लगातार तरतीब से ट्रेनें आ रही होती हैं, इंशाल्लाह उनको कैप्चर करेंगे। और फिर अभी यहाँ नहीं जी हमारी गाड़ियाँ, इन पर शबनम इतनी ज़्यादा पड़ी होती है कि ऐसा लगता है बारिश हुई है। और बाकी अगर आप पानी फेंकें तो पानी तो वैसे ही चला जाता है, पर जो ये शबनम का पानी है ये इतनी जल्दी सूखता भी नहीं और हटता भी नहीं। अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन, अपनी गाड़ी को लेके निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रेलवे स्टेशन पे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब, आपका भाई कराची कैंट पहुँच चुका है। मेरे पीछे आप वॉशिंग लाइन भी देख रहे होंगे। और बाकी इस तरफ ये बोर्ड देखें कराची छावनी की, इधर है ये पूरी वॉशिंग लाइन कराची कैंट सामने, वो एक लोकोमोटिव उधर भी खड़ा है और बाकी एक रैक लगा हुआ है। अभी मेरे ख्याल से 10 बजे के टाइम रहमान बाबा का टाइम है, तो उसका शायद हो सकता है ये रैक हो। बाकी अभी जो लाइन से ट्रेनें आने वाली हैं उनमें सबसे पहले है पाकिस्तान। और आपका भाई स्टेशन वैसे ही नहीं आया, बुकिंग लेके मैं आया था, फिर मैंने बोला चलो एक वीडियो ही बना लेते हैं और बाकी जो ट्रेन आएँगी उनको भी कैप्चर कर लेंगे। हो सकता है कि मैं एक ही ट्रेन को कैप्चर करके चला जाऊं, क्योंकि भाई काम भी तो है। इधर जी देखें सामने बिल्कुल काला पुल, और वो मेरे ख्याल से लाइट्स शो होना शुरू हो गई हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस की। अगर मैं जूम करूं तो पाकिस्तान एक्सप्रेस आने को है तैयार कराची कैंट। बाकी अभी इसका वेट करते हैं और एक अच्छा सा इसका कैप्चर करते हैं इसको, और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। और बिलआखिर पाकिस्तान एक्सप्रेस आ चुकी है जी, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अभी गई है। Thank you.
पहले मैं उस रैक को रहमान बाबा का रैक समझ रहा था, पर असल में अभी जो ये रैक आया है ये रहमान बाबा का रैक है। इधर आज ही सामान और बाकी आगे अभी चलते हैं। और इधर है जी न्यू कोचेस जो चाइना से इंपोर्ट हैं, बाकी आज इनको मैं खुद पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ, वरना ही तो वीडियोस में सुफियान भाई की या फहीम भाई की वीडियोस में या बिलाल भाई की इनकी वीडियोस में मैं देख चुका हूँ, पर खुद मैं आज पहली बार देख रहा मैंने भाईजान सिर्फ एक ही ट्रेन कैप्चर की है और वो है पाकिस्तान एक्सप्रेस, बाकी दूसरा रहमान बाबा का रैक लग रहा था। पहले जो रैक था मैं उसको रहमान बाबा का रैक समझा, पर रहमान बाबा का रैक अभी नहीं लगा था तो अभी वो मेरे सामने आके लगा। बाकी इसके अलावा हम अभी हैं गाड़ी वाले भाई, तो गाड़ी वाले का हिसाब ये होता है कि अभी हम स्टेशन पर आएँ बुकिंग ले कर, तो हर कोई यही चाहता है कि मैं वापसी भी जाऊँ बुकिंग ले कर, इसलिए मैं रुका था। और बाकी अगर मैं दूसरी ट्रेन्स को कैप्चर करने के लिए रुक जाऊं तो मेरे 12 या 2 यहीं पे बच जाएंगे, और अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से 9:40 या 10 के दरमियान का टाइम हो रहा है, तो अभी हम दोबारा निकलेंगे अपने स्टॉप की जानिब, वहां से ही कोई बुकिंग इंशाल्लाह मिली तो फिर वापसी आ जाएंगे यहाँ पर। बाकी चलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बाकी अभी कराची का मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, सुबह के टाइम थोड़ी ठंड महसूस होती है और दोपहर के टाइम शदीद गर्मी। बाकी अभी हमारी मेरी गाड़ी में जो खास है पंखा वो लगा हुआ है, बिल्कुल ऑल्टर पंखा है जिसको बोलते हैं ना, और ये इसमें ख़तरा भी है कि ज़्यादा अमूमन हम इसको चलाते हैं जब यूँ बैठे हों खुद ही अकेले बैठे हों, तब भी हम इसको चलाते हैं कि बंदे को पता होता है कि यार इससे मेरे को ख़तरा नहीं है, सर से दूर है इससे चलाते हैं। बाकी इसकी हवा बहुत अच्छी है, जो बीच में है ये यहाँ पे नहीं देता बल्कि ये साइडों पे हवा फैलाता है, जिसकी वजह से जो दोनों बंदे बैठे हुए होते हैं एक ड्राइवर और उसके साथ आगे जो बैठा होता है उसको हवा पूरी पहुँच जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब सुबह रेलवे स्टेशन गए और अभी गायब शाह बुखारी के दरबार पे हाज़िरी का मौका मिल गया और हम लोगों ने हाज़िरी दे दी, अभी निकलते हैं वापसी। हिमाड़िया आया हुआ था तो इधर ट्रैफिक आज बहुत ही जाम है, दिखाऊं अगर मैं वापसी जाते हुए आपको तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है। बाकी गाड़ी भी मैंने अपनी देखें इधर खड़ी की है, अभी निकलते हैं इंशाल्लाह आपको रास्ते में बताऊंगा। PIDC गुल भाई सारी जगह से कराची पूरे में आज ये हाल है कि सारे रोड ब्लॉक हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम है आज।
अभी मैं आ रहा था, हालांकि हमारे आते हुए ये रास्ता सिर्फ 45 मिनट का है अगर हम लोग सही स्पीड में आएँ और रोड साफ हो। पर आज मुझे यहाँ सिर्फ आते आते ही 1.5 से 2 घंटे के करीब टाइम हो गया। बाकी अभी इंशाल्लाह निकलते हैं।